सुन जिन्नक, हम माँ जी के पास जा रहे, बताती हूँ, है ना? हमें उनका झूठ साबित करना है, तो ये सेब अपने पास रख, ठीक है? इसे खाना मत, ये सच्चाई माँ उसके लिए है। बजरंगू, कोरा खीटा, ये ओ ओ ओ, ऐसा मारा पीटा नहीं करना है, शांति से बात करना है, शांति से, हाँ? वरना काका कान के नीचे बजाएंगे, जंगल जाना पड़ेगा दोनों को। ओ, और माँ जी, चलो थोड़े देर सो जाते हैं। माँ जी, इस सुधाकर की माँ का, हाँ सुधाकर बेटा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? माँ जी, आज ना हम लोग यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी करने आए हैं। ठीक है सुधाकर, तुम्हारे मन में जो आए ना वो करो, पर पहले जाके दूध और पानी तो ले आओ। क्या हो, ये कुछ और बोल रही है माँ जी? माँ जी वैसे नहीं, आज ना मैं वो झूठ साबित करने के लिए आया हूँ। आप मुझे बताइए, उर्मिला दीदी आपकी बेटी है वो? सुधाकर भैया, सुधाकर भैया, हमारी घर की माँ को कोई तंग करता है ना तो मैं उसकी वाट लगा देती हूँ। हमारी माँ बहुत बोली है, तो जो पूछना है आप मुझसे पूछे, क्या बात है बोलिए। उर्मिला दीदी, जब भी पहली बार आपने माँ कहा तो ये टोपी काली नहीं हुई, लेकिन फिर वापस जब माँ जी ने आपको बेटी कहा तो जिमनिक के हाथ में जो फल फूल थे वो काले पड़ गए थे, तो इसलिए वापस पूछने आए। सुधाकर भैया, उन्होंने मुझे बेटी बोला इसलिए फूल काले नहीं हुए, वो झूठ नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा याद है आपको? मैं बताती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं उर्मिला को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। हाँ यही बोला था। देखो सुधाकर भैया, बात ये है ना कि बेटी तो पराया धन होती है, शादी के बाद उसे दूर जाना ही पड़ता है, इसीलिए फूल काले हुए थे। अब समझ में आया आपको, ये झूठ था? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। समझ गया। समझ गया ना? तो चलो अब दो चार साल बाद मिलेंगे। हाँ चलो 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 चलो। अब इसका क्या कोड वर्ड है? अरे हाँ, ए हुर, आ, 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 हुर, हुर, आ, आ, अरे एक मिनट, एक मिनट। अब क्या है सुधाकर भैया? हुर, अब बोलो। माँ जी, एक आखिरी बार उर्मिला दीदी को बेटी कहो ना। सुधाकर भैया, ये क्या इधर पे मदारी का खेल चल रहा है? एक बार और बोल के दिखाओ, एक बार और बोल के दिखाओ, एक बार और बोल के दिखाओ, वो आपको बंदर दिखती है? नहीं, ये मस्ती कर रही है आप। माँ जी गलती हो गया। उर्मिला दीदी, आपने जितना सोचा ये मैंने नहीं सोचा था। माफ कर दो। हाँ आप नहीं बोलोगी चलेगा? नहीं नहीं, मैं बोलूंगी ना। नहीं दो ना। उर्मिला मुझे बोलने दे प्लीज। उर्मिला, सुधाकर, जितना एक माँ अपनी बेटी से प्यार करती है ना, उससे भी ज्यादा मैं इससे प्यार करती हूँ, और मैं इसे कभी नहीं खोना चाहती, कभी नहीं। जिमनाक, संभाल। जिमनाक, जिमनाक, सेब भी काला नहीं पड़ा। लेकिन आपके शक का मुंह काला जरूर हो गया सुधाकर भैया। माफ कर दीजिए उर्मिला दीदी, माँ जी माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। मालपानी, हाँ? अरे पगली, इधर आ। जया,
जी बाबा। आ रही हो ना? हाँ बस आई। बेटे। हाँ बोलो काका। जय। हाँ? ये जया की जिद तोड़ने का कोई उपाय ढूंढ लिया है ना? हाँ बाबा हाँ। अरे मैं बार बार सोच सोच के परेशान था कि अगर जया को रंजीत कुमार इतना अच्छा लगता है हाँ। तो जब मैं जया के साथ था उसने रंजीत कुमार का जिक्र एक बार भी नहीं किया। ऐसा होता है बेटा, कई बार ऐसे होता है, कभी कभी जिक्र करने का मौका ही नहीं मिलता है। अरे मौका मिला, मौका मिला। अच्छा? अरे भरपूर मौका मिला बाबा। एक बार तो मैंने खुद ने पूछा था जया से हाँ? फेवरेट हीरो कौन है, तो उसने किसी और हीरो का नाम लिया, रंजीत कुमार का नहीं। अच्छा तू कहना क्या चाहता है? बाबा मैंने रंजीत कुमार की ना पूरी हिस्ट्री निकाल ली है। अच्छा? और मुझे वजह मिल गई। अच्छा कौन सी वजह? जिस वजह के कारण जया आज रंजीत कुमार की फिल्म देखने नहीं जाएगी। अरे वाह, मूवी देखने के लिए तो सब लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। अरे बेटा रंजीत कुमार की फिल्म देखने जा रहे हैं। चल 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 चल। जया दीदी जिमनक को भी ले लूं साथ में फिल्म देखने के लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं। जिमनक आप जाइए, मैं बुला क्या था। रंजीत कुमार, 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 रंजीत कुमार। बाबा ये सब क्या हो रहा है? ये लोग रंजीत कुमार के नाम का मोर्चा क्यों निकाल रहे हैं? अरे पागल है ये सब लोग। अरे वो बेचारे रंजीत कुमार ने नई गाड़ी क्या ली 2 करोड़ रुपए की, उसके लिए मोर्चा निकाल रहे। गाड़ी ली इसीलिए मोर्चा निकाल रहे? नहीं नहीं, गाड़ी लेकर सेलिब्रेशन में 3-4-5-6 पैक क्या लगा लिए? शराब पी इसीलिए मोर्चा निकाल रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे वो बेचारा तो शराब पीने के बाद अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब वो रंजीत कुमार है, अब वो गाड़ी रास्ते पे चलाए फुटपाथ पे, उसकी मर्जी ना। वो गाड़ी फुटपाथ पे चलाए इसीलिए मोर्चा निकाल रहे? नहीं नहीं, क्या था कि शराब पी तो पी, फुटपाथ पे चलाई तो चलाई, लेकिन उस फुटपाथ पे 3-4 बेचारे वो लेबर गरीब लोग सो रहे थे, उन पे से चला कर ले गया गाड़ी। अब लोखंडे जी वो बेचारे गरीबों का नसीब तो देखिए, आना हुआ तो किसकी गाड़ी के नीचे? रंजीत कुमार की गाड़ी के नीचे। तो चढ़ गई रंजीत कुमार की गाड़ी उनके ऊपर। अरे लेकिन बाबा मानना पड़ेगा, क्या मर्द इंसान है रंजीत कुमार। मतलब गाड़ी चढ़ाने के बाद ना 1 मिनट 1 सेकंड भी रुका नहीं, वहां पर एकदम गाड़ी ले गायब। हाँ अरे वो कहते ना, वो कहते ना इंसान को कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। बस उस बात को रंजीत कुमार अपना आदर्श बनाया और गाड़ी लेके पर गायब हो गए वहां से। वो सीधे निकल गए ना एयरपोर्ट, शूटिंग पे जाना था ना बेचारे को। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा महान काम किया हो। अरे लोगों पे गाड़ी चढ़ाकर वो भाग गया है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे माफ करना बेटी, हम लोग तारीफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि रंजीत कुमार जो है वो तुम्हारा पसंदीदा कलाकार है, तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए हम उसकी तारीफ कर रहे थे और इस तरह से तुम्हें बता रहे थे। लेकिन शर्म तो हमें आनी चाहिए बेटी, ऐसे कलाकार का सिनेमा देखने हम जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं बाबा, हम मूवी देखने बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अभी मामला ना बहुत गर्म है, सुना है थिएटर पे लोग ना बहुत पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, 2-4 दिन रुक जाइए उसके बाद आप जाना फिल्म देखने के लिए, वैसे भी फिल्म 4 हफ्ते तो चलने ही वाली। मूवी भले ही 4 हफ्ते क्यों ना चले, मैं उसकी मूवी देखने कभी नहीं जाऊंगी। अरे ये आप अभी कह रही हैं, उसकी अगली फिल्म रिलीज तो होने दीजिए, देखेगा आप ही जाएंगी सबसे पहले, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। पिक्चर रिलीज होगी तब ना, मैं रंजीत कुमार की कोई भी मूवी कभी नहीं रिलीज होने दूंगी, और ये जया लोखंडे का वादा है। शाबाश बाबा, मैं थिएटर जा रही हूँ।
बेटी अभी तो कह रही थी मैं थिएटर नहीं जा रही हूँ और अभी है। बाबा मैं थिएटर मूवी देखने नहीं जा रही हूँ। हाँ। मैं मोर्चे में शामिल होने के लिए जा रही हूँ। मोर्चा तो अभी यहाँ से गया। हाँ, बेटा हाँ। उसी में शामिल हो जाते हैं। हाँ, चलो चल चल चलो। हाँ। जय भैया जय भैया। ये क्या हुआ क्या हुआ जय भैया? ये जिमनिक ने कुछ भी काला नहीं किया, इसका मतलब अभी जो आपने कहा वो सब सच कहा? हाँ सच था ना, उसने किया था ऐसा, लेकिन 2012 में नहीं 2014 में किया था, इसीलिए इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, बस हम कहानी को थोड़ी आगे लेकर आ गए। हाँ अरे तभी तो 2018 में जया रंजीत कुमार से इतनी नफरत करती थी। हाँ नहीं मतलब हाँ करती है, नहीं नहीं थी न के है, अरे थी यार है, जो भी है जो भी है, क्या फर्क पड़ता है, फिलहाल यही काफी कि हम बच गए बस। अब चलो चलो मोर्चा संभालते हैं। हाय हाय रंजीत कुमार, हाय हाय। अरे उधर ऐसा हाय 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 हाय। आज बिन मौसम बरसात हो गई शहर में। और बरसाती मेंढक भी आ गए शहर में। जया जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेंढक बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। नहीं? एलर्जी है मुझे उनसे, पैदाइशी फरेबी होते हैं वो। क्या बात कर रही है, कैसे? जब वो पैदा होते हैं ना तब ऐसे लगता है कि एक प्यारी सी मछली होगी, लेकिन अचानक एक दिन जब वो अपने चार पैरों पे उछलने लगते हैं ना तब जाके पता चलता है कि ये मछली नहीं मेंढक है। तो आप ये कहना चाह रही कि मैं फरेबी हूँ? क्या बात कर रही है, एक बार मेरी शक्ल तो देखिए, प्यार से भोली भाली है बेचारी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो कोई तुमसे सीखे। एक मिनट नॉट फेयर, अभी अभी आपने मुझे मेंढक कहा, अभी मिट्ठू बना दिया, कोई अपनी बात से पलटना आपसे सीखे और पलट के बात करना तुमसे, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्योंकि मैं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा? हाँ। मैं भी। प्लीज आगे बढ़ो और मेरा पीछा छोड़ो, मेरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। गलेगी गलेगी, दाल चावल सब गलेगा। शी, फिर शुरू कर दी तुमने अपनी टर्टर। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और हो सके ना तो अपनी मेंढक जैसी शक्ल मुझसे दूर ही रखना। जैसे आपका हुक्म जय जी। लेकिन आप अरे जय जी जय जी जय जी कहाँ गई, चली गई चली गई। जय जी कोई बात नहीं, हूं मैं मेंढक जया हूं, लेकिन सिर्फ एक कुएं का, तुम्हें मेरी शक्ल नहीं दिखी ना सही, लेकिन आज दिन भर तुम मेरा नाम लोगी और मेरे पास आओगी। कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि हम लोग गरीब घर में हैं, गरीब बनकर जियो। हाँ। पीसी, मैं और कितनी गरीब बनूं? बताओ मैं और कितनी गरीब बनूं? गरीब साड़ी पहन ली, हैंड वॉश के बॉटल में पानी डाल के रीयूज कर लिया, एक साबुन की टिक्की को काट के दो जन यूज करते हैं, होटल से आए हुए जीरा राइस के डब्बे में हल्दी डालकर यूज करते हैं। बताओ मैं और कितनी गरीब बन, बताओ। नो यू हैव टू टेल मी टुडे, इससे ज्यादा और कौन कैसे गरीब बन सकता है? प्लीज प्लीज रिप्लाई, मैं और कितनी गरीब बनूं? गरीब लोग माइकल जैक्सन के गाने नहीं गाते, बीटेड बीटेड। हाँ रियली, यू मीन टू से कि माइकल जैक्सन कौन है? गरीबों को नहीं मालूम? हाय मेरा देश कितना पीछे रह गया। हे भगवान, सबसे पीछे तो आप ही हैं।
पीछे से देशवासी सुधाकर आ रहा है, जल्दी से गरीबी के मूड में आ जाओ, चलो। बहुत अच्छी चाय बन रही। सुप्रभात, सुप्रभात महाबापू जी। जीते रहो, जीते रहो। सुप्रभात उर्मिला दीदी। सुप्रभात। क्या बात है सुधाकर, आज तुम गुजराती में क्यों बात कर रहे हो? सुप्रभात, सूचे प्रभात, ऐसे क्यों? माँ जी भी है ना, हर वक्त मजा। नहीं नहीं सुधाकर, मुझे भी ऐसे ही लगा कि तुम गुजराती में बोल रहे हो। सुप्रभात। उसके हिसाब से तो सुधाकर बेटे का नाम भी तो गुजराती हुआ, सुधाकर। सुधाकर। बाप जी आप भी। वैसे सुधाकर बेटा, सुबह सुबह उठकर लोगों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करना बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत संस्कारी हो, परंतु दीपक, दीपक बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। वो क्या है कि कैलाश की पर्वतों से होते हुए। बस बड़े भैया बस, दीपक को लेकर कैलाश पर्वत तक जाने की जरूरत नहीं है। सुधाकर यही खड़े खड़े सब सीख गया, सब जान गया, है ना सुधाकर? हाँ, समझ गया। नहीं नहीं छोटू, हम तो बस यूं ही कह रहे थे। यूं ही आपका बहुत यूं ही हो जाता है। माफ कीजिएगा माँ बापू जी, लेकिन एक आप ही हो जो उस दीपक की तारीफ करते रहते हो, वरना मुझे और काका को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे ही, ऐसे ही। करने का मन करता है दीपक को। लो सुनो सुनो बड़े भैया, इस पूरी दुनिया में दीपक जितना लफड़ेबाज कोई इंसान नहीं होगा। नजरिए नजरिए की बात है बेटा, बस रास्ता कहां जाता है? कहीं नहीं जाता। वेरी गुड, रुको, वो रसोई घर में गया, अभी पकड़ के लाता हूं। हर हर महादेव। महादेव महादेव। भारत माता की जय। अरे अरे तू जा ना भाई, तू उसको, तू जा, तू जा। दरवाजा बंद करो, कोई दरवाजा बंद करो। मैं बंद करूंगी, मैं बंद करूंगी। इंकलाब जिंदाबाद। अरे जल्दी जाओ। वो अंदर ही भागा है, निकल बाबूरा। बाबूरा ये छोड़ेगा नहीं, निकल बाहर। और या, ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? अभी चोर को भागना होगा, कैसे भागेगा? बैठ गया पानी में, बैठ गया। अरे तुझसे दुगनी उम्र का आदमी हूँ मैं। अरे अंकल, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मैं कहाँ पकड़ पाऊंगा चोर को? एक काम कीजिए, आप तो काफी जवान हैं, आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, जाइए जाइए जाइए, बचा। वेट वेट, ओके दे। पकड़ पकड़। ये क्या कर रहे हैं लोग डांस? बचा बचा बचा, पीछे कर, पकड़िए पकड़े, बचाओ। अरे मारना है, मार डालना नहीं है क्या? रखो रखो। अरे मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं बाबूराव नहीं हूँ। अरे और कितना झूठ बोलेगा बाबूराव, तुझे क्या लगता है तू आवाज बदल लेगा तो हम तुझे पहचान नहीं पाएंगे? अरे रुक जाओ, मैं बाबूराव नहीं हूँ। अरे देखो अब बोल रहा है कि मैं बाबूराव नहीं हूँ, इसे चादर निकाल के मारते। अरे बाप रे बाप, मतलब इतना बड़ा बहरूपिया है, चद्दर में बाबूराव से सुधाकर बन गया। मैं सुधाकर ही हूँ। सुधाकर?
ललितराव लोखंडे का सुधाकर। ललितराव लोखंडे? वो ललितराव लोखंडे जिनका हमारे गांव यवतमाल में आश्रम है, वही जो गरीबों की सेवा करते हैं? हाँ, वो यही रहते हैं भाई। तभी ये बाबूराव चोर साला इधर भाग के आया है। आप लोग यवतमाल से आए हो? हाँ। और नहीं तो क्या, वो बाबूराव भागते भागते इधर आ गया तो हम भी उसका पीछा करते करते यहाँ आ गए उसे मारने। लेकिन ये लोखंडे जी का घर है। हाँ, मतलब बाबूराव ने फिर से घपला किया। बाबूराव, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या शोर हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? बहन जी, बहन जी हटिए, बहन जी किसको मार रहे हैं, कौन है? चोर है लोखंडे जी, चोर है। लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, दिन दहाड़े चोरी करने निकलता है। चा, ए चोर इधर आ, देखता हूँ कौन है चोर। तू भाओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.